क्वेश्चन 8 जो क्या कह रहा है, द मीन ऑफ फाइव ऑब्जर्वेशन इज 5 एंड देयर वेरियंस इज 9.20। फाइव ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं का जो मीन है 5 है और वेरियंस जो उनका है वो हमारा है 9.20। थ्री ऑफ द गिवन फाइव ऑब्जर्वेशन आर 138, देन द रेशियो ऑफ अदर टू ऑब्जर्वेशन। बच्चों अगर थ्री, अब देखो एक्स बार अगर 5 दिया गया है तो एक्स बार 5 की वैल्यू हो जाएगी, 3 तो दिया गया यहाँ पे, तो जाएगा 1 + 3 + 8, बाकी जो दो उसको ए और बी मान लो, बाकी ए प्लस बी अपॉन 5, तो कितना हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे ए प्लस बी 25 - 12, -12 हो जाएगा, वन हो गया बच्चों। और अब इसका क्या है, वेरिएंस दिया गया, तो वेरिएंस जो कितना हो जाएगा 9.2 स्क्वायर, तो 1 + 9 + 4 + a² अपॉन 5 माइनस सिग्मा एक्स आई, एक्स आई ए 5 थे, हो जाएगा 25। अब जो कितना आ रहा है, जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 2 जा 10, 0 1, 5 9 जा 45 यानी 46, और ये 5 से 125 प्लस, बोल देखो यहाँ पे 74 + a² + b, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे a² + b² के, ये -74 आ जाएगा है ना, मैं आप कर लेते हैं 6 और 5 11 1 7 171 - 74। अब देखो यहां से, तो यहां से हमारी जो वैल्यू आ जाएगी a² + b² की वैल्यू, हाँ देखो 11 में से 4 जाएगा, 7 6 16 में से 7 जाएगा। अब देखो यहां पे, अब a प्लस बी की वैल्यू अगर हमको पता है कि a प्लस बी वैल्यू है, पर इसको हम स्क्वायर कर दें, देखो 2ab की वैल्यू आ जाएगी 169 माइनस a² + b² 97, तो कितना आ रहा है 9 में 7 गया 2 और 16 में से 9 गया 70। यहां से देखो AB की वैल्यू आ गई 36। ये हमारा क्वेश्चन 1 है, अब देखो इन बच्चों इन दोनों को जो हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो हमें a/b ठीक है, तो अगर हम a - b की हम वैल्यू निकालना चाहिए, तो a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab 70, कितना आ रहा है 7 में से 2 गया 5 25, a - b की वैल्यू +-5, चलो हम +5, हम a - b है +5 और a + b 30, सम कर दोगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 9, और ए की वैल्यू अगर 9 हो या तो 9/4 या 4/9, तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का, देखो अच्छे इसमें आंसर आ जाएगा हमारा ये।